हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएससी ने सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए जो मेंस परीक्षा के लिए जो फॉर्म अप्लाई करवाया था वो 23 अगस्त 2021 तक उसका फॉर्म अप्लाई किया जाना था। उसके बाद फिर बहुत से लोगों को ये इंतज़ार था, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर आयोग इसकी परीक्षा कब लेगा, क्या डेट होगा, क्या मंथ होगा, कब इसका परीक्षा लिया जाएगा। उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। तो आपका ये इंतज़ार स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है। आयोग ने सहायक अनुवादक वालों के लिए जो मेंस परीक्षा होनी थी उसका डेट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसका डेट आ चुका है, मेंस एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। और सबसे पहले इसकी सूचना आपको हमारी जानिब से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि क्या है ऑफिशियल नोटिस, क्या डेट निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा, इसकी परीक्षा कब होगी, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर लाइन बाई लाइन पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारे यूज़फुल जो नोटिसेस और जो भी सूचनाएँ आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है वो सबसे पहले आपको आपके इस चैनल के माध्यम हमसे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि क्या है ये नोटिस जो आज के ही इस डेट में जारी किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन, पत्रांक बिहार कर्मचारी चयन आयोग, प्रपत्र 3 परीक्षा 48/2018 बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और फिर ये आपका इसका एड्रेस है वेटनरी कॉलेज पटना 14। आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं ज्ञापन नंबर 2152 और दिनांक 1/9/2021। जी हाँ दोस्तों, आज की 1/9/2021 है और आज के इस डेट में ये नोटिस, ये सूचना प्रकाशित की गई है आयोग के द्वारा। और सबसे पहले मैं आपके लिए आपके अपने चैनल पर इस सूचना को लेकर आया हूँ। तो चलिए क्या है ये नोटिस स्टूडेंट्स, देखा जाए। विज्ञापन संख्या 1/2019 पद सहायक उर्दू अनुवादक की दिनांक 28/2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत योग्य पाए गए 5,322 यानी कि 5,322 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 19/9/2021 को संभावित है, यानी कि इसी महीने 19 सितंबर 2021 को संभावित है। तो इसमें जैसा कि आपने देखा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 28/2021 को जो पद सहायक उर्दू अनुवादक के लिए PT एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी और उसमें 5,322 अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया था कि उनसे अब मेंस परीक्षा भी ली जाएगी। उनका मेंस परीक्षा इसी महीने के 19 तारीख को होना संभावित है। और उसके बाद फिर अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। यानी कि बाकी की भी जो सूचना इस संदर्भ में इसके रिलेटेड आपको मिलती रहेगी इस आयोग के इस वेबसाइट पर। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो सचिव हैं उनका साइन भी आप देख सकते हैं नीचे, ये साइन किया हुआ है। और ये था स्टूडेंट सूचना जो आयोग ने आज ही प्रकाशित किया और सबसे पहले आपके अपने इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है, परीक्षा की तिथि आ चुकी है 19/9/2021 पद सहायक उर्दू अनुवादक, मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा। तो स्टूडेंट्स ये था आज के इस वीडियो में वो सूचना जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। तो कैसे लगा स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो, आपको मुझे मालूम है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी सूचनाएं जो भी BSSC की तरफ से निकलती है वह मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आप तक वो पहुँचा दूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।